वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे इट इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस सेशन मोशन. यस्टरडे आई हैव गिवन यू थ्री पर्टिकुलर क्वेश्चंस विद द सॉल्यूशन. सो आई वांट टू एक्सप्लेन दोज क्वेश्चंस बिकॉज ऑल द थ्री क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन I will also tell you how to use the equation of motion. हम आज आपको ये बताएंगे कि equation of motion जो हमारे तीन है उसको कैसे take up करते हैं. तो first I will solve the question. Question number one. इस question में क्या था? Study the graph. Studying the graph and answer the following question. The first question asks which part of the graph shows the acceleration. हमें बताना है कि acceleration कहां आपको दिखाई दे रहा है. Acceleration find करना है. दूसरा था आपको retardation बताना है. इसमें रिटार्डेशन कहां पर है ये बताना है. और तीसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड. आपको डिस्टेंस बताना है इन फर्स्ट फोर सेकेंड. डिस्टेंस इन फर्स्ट फोर सेकेंड. ग्राफ कैसा आपका देखे. ग्राफ जो आपका है वो कुछ इस तरह का है कि वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव. वाई एक्सिस पे हमें यहां पर जो है वेलोसिटी गिवन है. वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकंड में, वन टू थ्री फोर फाइव. और एक्स एक्सिस पे आपको टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व, दो दो सेकंड के डिफरेंस पे एक ग्राफ प्लॉटेड है यहां पर. टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व देन फोर्टीन 16 लिख सकते हैं हम लोग. ये एक्स एक्सिस है. ग्राफ में हमारे पास में क्या है, एक फोर सेकंड में ये ग्राफ दे रखा है. फोर टू टेन यहां पे, देन इट कम डाउन टू द 10 टू 14. इसकी नेमिंग कर लेते हैं 0. ये ओरिजिन है. 0 का मतलब ओरिजिन से है. दिस इज पॉइंट ए बी सी एंड डी. दिस इज द टाइम इन सेकेंड. ये क्या है, इट इज अ वीटी ग्राफ. ये कैसा ग्राफ है, ये बीटी ग्राफ. फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन. या इसमें एक्चुअली क्वेश्चन कंप्लीट था कि ग्राफ का कौन सा पार्ट एक्सीलरेशन शो कर रहा है. विच पार्ट गिव्स द एक्सीलरेशन. एक्चुअली क्वेश्चन ये है, मैंने शॉर्ट में को लिखा है एक्सीलरेशन कौन देगा. देखिए विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग हम इसको बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट एक्सीलरेशन देगा. तो इसका आंसर यह है ए पार्ट का, ओबी सेक्शन गिव्स द एक्सीलरेशन. ये एक्सीलरेशन दे रहा है. इसकी पहचान क्या थी, मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन. बट
ये जो एंगल है इट शुड बी द एक्यूट एंगल. लाइन ओबी मेक्स एक्यूट एंगल. ये एक्यूट एंगल है यहां पर. फिर सुन लीजिए, जब भी ये लाइन एक्यूट एंगल बनाएगी तो ये एक्सीलरेशन होगा. दूसरा क्वेश्चन था रिटार्डेशन. ये देखिए, ये एंगल 90 से ज्यादा है. ये 90 ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है ये क्या है जो इसका सेकंड पार्ट है. ये मैंने ए पार्ट का आंसर बताया है, सीडी सेक्शन ऑफ द ग्राफ. सीडी सेक्शन ऑफ ग्राफ गिव्स रिटार्डेशन. ये रिटार्डेशन दे रहा है बिकॉज यहां क्यों है, लाइन सीडी मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विद टाइम एक्सिस. यहां पे लिख लीजिए टाइम एक्सिस. तो ये दो खास बातें होती हैं. अगर कोई लाइन वीटी ग्राफ में एक्यूट एंगल बनाती है, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो ये हमको एक्सीलरेशन बताएगा. ये ऑब्टूज बता रहा है तो ये रिटार्डेशन बताएगा. कि ध्यान रखेंगे बीसी इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो यहां पर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है. अगर बीसी पैरेलल है तो एक्सीलरेशन नहीं बताएगा. इसको नोट कर लीजिए आप लोग. क्लियर, समझ आ गई बात. ये अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सीलरेशन को. यहां मैंने आपको समझा दिया एक्सीलरेशन के लिए क्या लिखेंगे. सो ए बी शोज द एक्सीलरेशन. इसको विद द लॉजिक आप बता दीजिए. एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ग्राफ में क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. स्लोप में क्या होता है, वाई इंटरसेक्शन अपॉन एक्स इंटरसेक्शन. वाई पार्ट कितना है और ये पार्ट कितना है. इसको अगर मैं एम कह देता हूं तो क्या हो जाएगा, बीएम अपॉन एम. अब बीएम कितना है हमारे पास में, 4 माइनस 0. ये कितना है, 4 माइनस 0 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन. अब इसके बाद में हमें जो है रिटार्डेशन देखना है. तो रिटार्डेशन के लिए भी हमें क्या करना होगा, यहां पर फॉर्मूला सेम. रिटार्डेशन क्या हो जाएगा हमारे लिए, स्लोप ऑफ सीडी. स्लोप में इसका जो, अब ये ग्राफ वापस जा रहा है तो यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है हम यहां से क्या करेंगे, 0 माइनस 4 लिखेंगे सीडी. अब ये था ए से बी, अब कैसे जा रहे हैं, सी से डी. तो डी की वैल्यू कितनी है, 0. यहां पर ये लेंथ अगर निकालेंगे 0 माइनस 4 अपॉन 40 माइनस 10. 40 माइनस 10 अगेन 4 विद माइनस साइन,
माइनस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, रिटार्डेशन फाइंड कर लिया हमने। लास्ट पार्ट देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड सी पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? एरिया। अब कब तक चाहिए हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट फोर सेकंड? फर्स्ट फोर सेकंड मेरे कहां पर है? यहां पे। इट इज अ एरिया, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBM। क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल OBM। इसके एरिया कितना हो जाएगा? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहां पर? AM। हाइट कितनी है? MB। AM कितना मान लिए? 4। MB कितना है? ये भी 4 है, 8 मीटर। ये हो गया हमारे लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देख लिया कि जो VT ग्राफ हमारे पास होता है, VT ग्राफ हमको एक्सेलरेशन भी दे रहा है और रिटार्डेशन भी दे रहा है, और हमने डिस्टेंस से डिफाइन कर लिया। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो मेरा XT ग्राफ से रिलेटेड है। क्या है सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में? सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास में एक ग्राफ है, फिर से 50, 100, 50, 100, 150, 200, यहां तक कुछ फिगर्स हैं। फिर ये जो है डिस्टेंस हमको दे रखा है इसमें किलोमीटर में, यहां दे रखा है हमको टाइम, आर भी दे रखा है 1, 2, 3, 4 hours। दिस इज टाइम एक्सिस और ये हमारी पोजीशन एक्सिस है। यहां डिस्टेंस लिखना है किलोमीटर में, ये था 50, 100, 150, 200 एंड इट इज 1, 2, 3, 4। एक ग्राफ यहां पे बना हुआ है जो दिखा रहा है कि टाइम टू पे, क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू ट्रेस इज गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर, ये कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू ट्रेन्स। दो ट्रेन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यहां। अब एक तो एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन जो है वो ये है, इसको कह दिया ट्रेन ए, इसको कह दिया ट्रेन बी। मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन करवाया था, इसके पहले भी क्वेश्चन कराया था जहां पे ग्राफ के क्वेश्चंस मैंने कराए थे। यहां देखिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसका मतलब होता है कि जो ट्रेन बी है वो ट्रेन से 100 किलोमीटर आगे खड़ी है। इसका मतलब सीधे ही होता है कि ये अगर इनिशियल पॉइंट है तो ये ग्राफ बी के लिए है, तो ये ट्रेन जो है वो यहां पर खड़ी है इस जगह पर, ये पॉइंट, इसको अगर मैं पी कह दूं, इसको क्यू कह दूं, तो ये 100 किलोमीटर आगे खड़ी है ट्रेन, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। इस पोजीशन टाइम ग्राफ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है हाउ मच एहेड ऑफ ए, कह रहा है हाउ मच एहेड ऑफ ए इज बी, कह रहा है बताइए जो बी है हाउ मच एहेड ऑफ ए इज बी व्हेन मोशन स्टार्ट्स। कह रहा है बी ए से कितना आगे? 100। ये फाइंड कैसे करते हैं? यहां से, क्योंकि ये क्या है पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इसका मतलब है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे जीरो, यहां पे जीरो जब जर्नी नहीं शुरू हुई है
तो ये जीरो पे है और ये कहां पर है? हंड्रेड पर। तो हम लिखेंगे बी इज हंड्रेड किलोमीटर एहेड ऑफ ए, 100 किलोमीटर आगे उससे। दूसरा कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। अब कह रहा है बी की स्पीड आप मुझे बताइए यहां पर कितनी है, हमें बी की स्पीड फाइंड करनी है। बी की स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए यहां से, जैसे ये ट्रायंगल बना लीजिए। स्पीड अच्छा सीधे किसकी स्पीड ज्यादा है यहां पर अगर मैं आपसे कहूं? ऑब्वियसली देखिए ये जो ट्रेन ए यहां पर 100 किलोमीटर पीछे थी लेकिन इसने इसको पकड़ लिया बी को इस पॉइंट पर इस, और दूसरी चीज ये जो एंगल है ये इससे ज्यादा है। और आप याद रखिए इफ स्लोप इज मोर ग्रेटर देन द अदर देन इट्स स्पीड इज हायर। जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो हाई स्पीड से ट्रेन चल रही है, इसका स्लोप ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको तो ये ए का जो स्पीड है वो ज्यादा है। अब हमको स्पीड निकालनी है यहां पर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, तो बी का स्पीड क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ बी। बी का स्लोप क्या है ये स्लोप, हम क्या करते हैं यहां पर एक पॉइंट मैंने यहां सिलेक्ट किया ये और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमने इसको कहा था, इसको हमने कह दिया सपोज करिए एम, इसको कह दिया एन, इसको कह दिया हमने यहां पर टी कह दिया। चलिए ठीक है तो स्लोप क्या हो जाएगा मेरे लिए यहां पर एम एन ये लेंथ और एन टी, एम एन कितना हो जाएगा 150 माइनस 100 और ये कितने लिए 2 आवर्स 50 अपॉन 2 इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। तीसरा पार्ट व्हेन एंड वेयर ए कैच बी, ए कहां पे इसको कैच कर रहा है बी को, ए कैचेस बी एट द 150 किलोमीटर, यहां पर कब कब कैच कर रहा है यहां पर व्हेन एंड वेयर, ए कैचेस बी एट द 150 किलोमीटर मार्क, ये देखिए यहां पे इसने कैच किया 150 किलोमीटर मार्क, कितनी देर लगी आफ्टर 2 आवर्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, हमने 2 घंटे बाद इसको पकड़ लिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द ए एंड बी, अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर एक स्पीड कितनी है एक ट्रायंगल ये बना लीजिए। अगर आपको स्पीड निकालनी है देखिए जब भी ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं ऐसा ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं जिसमें इजिली क्या कहते हैं आप स्लोप निकाल सकते हैं, तो आप यहां क्या करिए यहां ट्रायंगल ले लीजिए इसको हम कह देते हैं के, यहां सेलेक्ट कर लीजिए हम आपको एक स्पीड निकालनी है तो इसमें क्या कर लीजिए आप ट्रायंगल सेलेक्ट करिए ओके एम, इसको सेलेक्ट कर लीजिए ओके एम को, तो यहां पर एम पी अपॉन ओके कर दीजिए इसकी स्पीड आ जाएगी, इसका डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। इज द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, कह रहे बताइए क्या दोनों की स्पीड यूनिफॉर्म है कि नहीं है, और वैसे हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है इट इज ए यूनिफॉर्म मोशन, दोनों यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहे हैं, ये हो गया हमारा ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।